अपने आप नूं वकील दसन वाले व्यक्ति ने थानेदार की कीती कुटमार, फाड़ी वर्दी, थानेदार हस्पताल विच दाखल। मानसा पुलिस ने इस मामले विच दोषी वकील खिलाफ मामला दर्ज करके उसनूं गिरफ्तार कर लिया है। चकमी थानेदार ने दस्सिया कि उस विरुद्ध शिकायत का निपटारा करने लिए उसनूं थाने बुलाया गया सी, पर उसने थानेदार ते ही हमला करके उसनूं बुरी तरह जख्मी कर दिता। मनजीत सिंह की दरखास्त थी, एस पी एम साहब वालों आई सी, संबंध मैं दोनों पार्टियों का सोनू तनवर से खिलाफ से दोनों पार्टियों ने बहा के मैं बड़े प्यार सत्कार कुछ एक अपने पत्रकार भी उत्थे सीगा टोनी, एक चमकौर सिंह सीगा, मनजीत सिंह जी ने दरखास्त देने वाला सी, सोनू तनवर उन्होंने बहा के उन्होंने गलबात सुनी जाते सी, तो मैं इन्हों की समझौते तक गल लै गया भी चलो कोई गल नहीं, जी तैं पहला 57 कराई है चलो तू एस डी एम साहब तो वापस ले लीं, तो चलो आप समझौता लिखते हैं। उस तो तनवर सोनू तनवर पता नहीं की होया, क्या नहीं मैं तो कार्रवाई कराऊंगा, मैं पुत्र नहीं कार्रवाई नहीं कराने, तू कोई गल नहीं तू बच्चा है साढ़ा, तेनों समझा सा फर्ज बन गया, मैं तेरे बाप कर गया, इन्नी गल कहने कहना मेरे ते कार्रवाई करो, तू मेरे ते कार्रवाई कर, मैं पुत्र मैं तेरे बच्चे वर्गा नहीं, मैं क्या चंगा बेटा चंगा तू बाहर बैठा मैं पता तू गल सुन कर दें, मैं माड़ा जहा हथ लाकर बैठा, मैं उगली कुर्सी से बैठा सी मेज़ से, तू हूँ मेरी 56-57 साल की उम्र है जी, मैं कुर्सी पर बैठे नहीं, मैंने खड़े ही नहीं हूँ तो मेरे एकदम ही सुनी सुन मुक्की मार लग गया। ये चमकौर सिंह तो सुन टोनी टोनी का बेटा ने, इन्होंने मैंने उतो मतलब उतो खड़ा, इन्हें फिर साढ़े होर मुलाजम आए, फिर मुलाजम इन्होंने पूछा मेरी वर्दी शोल्डर भी पड़ता जी, मेरे बटन भी मेरी वर्दी पड़ती, मेरे काफ़ी सट्टा लगिया, गुजियाँ सट्टा बजी, हथियार नहीं नहीं कुछ हथियार वगैरह कुछ की मंग कर। देखो जी हूँ जो पुलिस अफसर के थाने गल् हो फिर की होगा जी आम लोगों का की होना। हाँ जी साढ़े को अज 3/19 तो कौर सिंह आए पेशेंट, तो उन्होंने काफ़ी सट्टा लगिया हुई सी, वर्दी वगैरह पट्टी हुई है उन्हों की, तो इस टाइम वैसे खतरे तो बाहर ने, उन्हों का इलाज चल रहा हले, तो उन्हों का परचा कट्टिया जा रहा है, तो हले एक बार उन्होंने इलाज करके उन्होंने एक्सरे करावे, तो अगे देखते हैं, वैसे हम खतरे तो बाहर ने। मैं ना जी एक दरखास्त के संबंध के गया सी, एस डी एम साहब वालों दरखास्त मार्क हो के आई सी थाना सिटी 2 च, ए एस ए कौर सिंह, इन्होंने दोनों पार्टियां बुलाया सीगा, अच्छा दोनों पार्टियां ये कहिंदे भी कंप्रोमाइज़ करा दिओ, असी कंप्रोमाइज़ बैठे सी, ये बंदा कहिंदा जी मेरे ते कार्रवाई कर दे, ये कहिंदा भी तू मेरे बच्चों वर्गा बेटा भी कार्रवाई रहन दे, दोनों पार्टियां भी तरीका भुगतते रहोंगे, कहिंदा यार तैनूं मैं किसी जिहा कार्रवाई कर दे, ये कहिंदा चंगा चल बेटा उधर बैठ, कहिंदा मेरे हाथ किवें लाउणा, इन्होंने माड़ा हाथ लाया, इन्ने नहीं पता नहीं की हो बैठा बैठा तो कुछ उन्होंने मुक्की वर्दी में पै गया जी, मेरे अखी सामने बिल्कुल, होर कोई उत्थे मुलाजम है नहीं मौके पर उदो मौजूदा, ये बैठे से कल मैं सी जा दोनों हो सके, काफ़ी सट्टा नक् के आ देखो जी नक् के कुछ होना तो शोल्डर पार्टा तो बटन पार्ट तो वर्दी के, तो काफ़ी गुत्थों इतों छुड़ाया नहीं गया जी, बस तो ढिड च कुछ होने मतलब काफ़ी मैं बहुत कोशिश करी भी हड़ जोड़ जो इन्हें जो रौला पाया उदो मुलाजम आए उदू सड़ो छड़ाई हुए फिर भी नहीं हटिया जी, पता नहीं तो की दिमाग के बच्चे बंदे ने समझ नहीं आई मैंने तो जी, मैं तो यही मंग करता भी यह जे इंसानों नत्थ पाई जाए, ये गुंडागर्दी का राज नंगा नाच कर दिया, जिस पुलिस अफसर से हमले होने लग गए तो आम साढ़े वर्गी पब्लिक कितने सेफ रहेगी। अज एक मनजीत सिंह कन्नियों दरखास्त दी गई सी, एक सोनू तलवड़ नौ दा आदमी है उदे खिलाफ, साढ़े ASI ने इन्हें दोनों पार्टियां नू बुलाया, उदे विच मोहतबर बंदे भी आए, उन्हां दी पुछ पड़ताल कर रहा सी, जिस दे दौरान यह तहस चाह के इहदे एरिए चों भी पता लग लग्या, सानू इनफॉर्मेशन आई है भी इहदा दिमाग खराब है, ये आम लोगों नू भी ये बड़ा तंग परेशान करता है, इसने साढ़े ASI दी वर्दी भी पाड़ी और उहदे फेस दे उत्ते घसुन टाइप भी मारे और उन्हूं धमकियां भी दित्तियां, और साडे दूसरे अफसरां भी कहिंदा सी मैं वकील हाँ मैं हाई कोर्ट चाहे कर दूँ मैं वो कर दूँ, और जो ये सारा कुछ किया तो ये खिलाफ़ हूँ असी FIR नंबर 125 रजिस्टर करी है, तो जो हूँ बंद है हवाला च, इस दे उत्ते 353-186 वो धारा लाई है, तो इस उत्ते मुकदमा रजिस्टर किया, हुण फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए।